यूपी बिहार सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनोवा कार से पकड़ा 39 पेटी विदेशी शराब, पुलिस को देख तस्कर फरार। खबर चंदौली से है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के आदेश पर यूपी बिहार सीमा पर शराब तस्करों और गोवंश तस्करों के साथ साथ साथी अपराधियों को लेकर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सैदराजा पुलिस को एक बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब यूपी बिहार सीमा के समीप सैदराजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर में नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस बूथ के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस की चेकिंग देख ट्रकों के पीछे एक एम्बुलेंस इनोवा कार को छोड़कर कुछ लोग फरार हुए। हालांकि पुलिस ने पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने का लाभ उठाते हुए इनोवा में सवार लोग फरार हो गए। इनोवा को खोलकर चेक किया गया तो पुलिस के भी होश फाकता हो गया है। मध्य प्रदेश नंबर की इनोवा कार में 39 पेटी विदेशी शराब छुपा कर रखी थी। बड़ी बात यह है कि इनोवा कार पर एम्बुलेंस का लाइट और शीशों पर एम्बुलेंस की स्टिकर लगी हुई थी। पुलिस ने जब सदराज थाने में लाकर कार से शराब निकालकर गिनती की तो 39 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान नौबतपुर पुलिस बूथ के पास से एक मध्य प्रदेश नंबर की इनोवा कार से 39 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस चेकिंग को देखकर ट्रकों के पीछे एम्बुलेंस इनोवा कार को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। शराब जो पकड़ी गई है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख है। इस मामले में नंबर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार के मालिक की तलाश में जुट गई है। अपने आप में पहला मामला सामने आया है जब लग्जरियस कार इनोवा कार में शराब तस्करी पकड़ी गई है। हालांकि इससे पहले भी एम्बुलेंस में यूपी बिहार सीमा पर चेकिंग के दौरान शराब पकड़ी गई थी। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। जनपद में अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 28 अगस्त को थाना सैयद राजा पुलिस द्वारा एक इनोवा कार में तस्करी कर 39 पेटी शराब जो बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी मात्रा लगभग 350 लीटर है, बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि इस इनोवा कार को तस्करों द्वारा एम्बुलेंस का रूप प्रदान किया गया था। इसके आगे पीछे शीशे पर एम्बुलेंस लिखा गया था और ऊपर नीली बत्ती लगाई गई थी।